हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जो है आपका तालाब कैसा होना चाहिए और किस तरीके से आपको जो है तालाब बनवाना चाहिए, ताकि जो है दोस्तों आगे चलकर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मेरा जो है तालाब है टोटल जो है 44 कट्ठा में है, और इसमें जो है मेरा जो है तकरीबन 24 कट्ठा में ही इसमें जो है हम मेरा पानी है, और बाकी का जितना ज़मीन है उसमें जो है हम दोस्तों मेढ़ बना रखे हैं, यानी कि दोस्तों जो है तालाब के चारों तरीके से जो है मेढ़ है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा कि इतना जो है ज़्यादा एरिया होते हुए भी आप कम एरिया में जो है तालाब का पानी क्यों रखे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप भी जो है तालाब खुदवाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे मेन पॉइंट रहता है आपके जो है तालाब के चारों तरफ मेढ़, यानी कि वो मजबूत होना चाहिए। भले ही दोस्तों जो है आपका तालाब जो है थोड़ा बहुत छोटा बन जाए वो ठीक है, लेकिन आपका जो है तालाब का मेढ़ वो दोस्तों जो है मजबूत होना चाहिए। तो कभी भी आप तालाब बनवाएं तो आपको जो है स्लोप टाइप का तालाब बनवाना पड़ता है, ये नहीं कि इनार जैसे कुआं जैसे होता है वैसा तालाब नहीं, बिल्कुल नहीं बनवाएं। आप जो है कभी भी तालाब बनवाएं तो ऐसे स्लोप टाइप का बनवाएं। इतना जो है मजबूत बांध बनाने का मेरा एक कारण और भी है कि मेरे तरफ जो है बगल में ही सोन नदी है, और सोन नदी होने के कारण दोस्तों जो है यहाँ कभी कभी जो है बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, जिससे दोस्तों जो है मेरे तालाब के अगल बगल पूरा पानी भर जाता है। इसी के कारण दोस्तों जो है हम अपने तालाब के जितने भी बांध हैं उसको जो है अच्छे तरीके से मजबूत बनवाए हैं और ज़्यादा एरिया उसमें कवर किए हैं, ताकि जो है अगल बगल कितना भी पानी हो जाए मेरे तालाब में उसका पानी ना आए। आपको भी दोस्तों ये सारा चीज़ जो है आपको मद्देनजर रखते हुए आपको जो भी तालाब, आपको भी अगर तालाब बनवाना है या नए तालाब अभी बनवा रहे हैं तो आपको ये सारा कुछ जो है मद्देनजर रखते हुए आपको ये काम करना है। ये नहीं दोस्तों जो है कि आपका पानी का एरिया बढ़ाने के लिए आप कम बांध बनवाएं एकदम से बिल्कुल पतला, कि अगर पानी का थोड़ा सा भी बहाव हो आपका जो है बांध टूट जाए, ऐसा बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। भले ही तालाब का एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाए लेकिन बांध जो है आप बहुत ही मजबूत बनवाइए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपका जो है तालाब थोड़ा बहुत ऊंचा टाइप का हो, यानी कि आपका बांध जो है थोड़ा बहुत ऊंचा टाइप का हो, कि अगर कहीं भी पानी भी आता है कहीं से बरसात का या किसी भी चीज़ का, तो आपका जो है पानी का लेवल आपके तालाब के ऊपर से ना जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है हम तालाब के ऊपरी मेढ़ पर खड़े हुए हैं, और यहाँ से सारा कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा अगल बगल का, वो जितना भी है ये तालाब से नीचे ही है। देख सकते हैं ये जो है मेरा छोटा सा तालाब हम जो तालाब के मेढ़ के ऊपर ही बनवा रखे थे, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो है मेरा तालाब का मेढ़ कितना ज़्यादा मजबूत और कितना बड़ा था। और इसी में हम दोस्तों जो है 30,000 सीड जो है मछली का सीड इसी में डाले थे, तो ये तो बिल्कुल अभी जो है घास से भरा पड़ा है, यानी कि इसमें बहुत घास जम गया है, इसको फिर से साफ़ करवाना पड़ेगा। एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है केवाल, जैसे कि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ज़मीन है केवाल मिट्टी है, तो इसमें जो है पानी बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। अगर हम इसमें तकरीबन 1-2 महीना भी पानी नहीं चलाते हैं तो मेरा काम चल जाता है, पानी इसमें बिल्कुल ना के बराबर सूखता है। तो दोस्तों, आपको ये भी चीज़ जो है आपको देखकर चलना पड़ेगा कि मेरे तालाब में कितना पानी रुकता है और कौन सा मेरे तालाब का मिट्टी है। तो दोस्तों, यही कुछ बातें होती है कि आपको जो है ध्यान में रखते हुए जो है तालाब को बनवाना पड़ता है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा कि किस तरीके से जो है अपने तालाब बनवाएं और क्या क्या जो है सावधानियां बरतना पड़ता है तालाब बनवाते समय। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें।